सो गाइस गुड मॉर्निंग फ्रॉम गुवाहाटी। तो अभी हम गुवाहाटी आ गए हैं और आज हम जाएंगे माँ कामाख्या मंदिर का दर्शन करने के लिए। तो अगर आपको जाना है कामाख्या मंदिर तो आपको गुवाहाटी स्टेशन या माँ कामाख्या स्टेशन आना पड़ेगा। तो अभी हम आए हैं गुवाहाटी स्टेशन के पास से पल्टन बाजार, ये जो चौक है आप ये देख सकते हैं, ये पल्टन बाजार चौक है। अब मेरे पीछे है गुवाहाटी स्टेशन। तो गुवाहाटी स्टेशन से हम वॉक करते हुए चले आए हैं पल्टन बाजार चौक में। यहाँ से मेरे को मिल जाएगा पब्लिक टैक्सी या बस वस मिल जाएगा, उसको लेकर हम चले जाएंगे मंदिर तक। चलिए पहले बस पकड़ते हैं फिर चलते हैं मंदिर के पास। तो दोस्तों अगर आप लोग आ रहे हैं गुवाहाटी स्टेशन से ना, तो आप लोग उस साइड से आएंगे और आप लोग उतरना है यहाँ पर, क्योंकि यहीं पर है माँ कामाख्या मंदिर का गेट। तो आपको यहाँ से रास्ता क्रॉस करके उधर जाना है मंदिर की तरफ। तो चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ, आपको दर्शन करवाते हैं माँ कामाख्या मंदिर के। तो आप लोग इस वाले गेट पे आ जाएंगे ना, तो यहाँ से आपको और 3 किलोमीटर जाना होगा इस दिशा में मंदिर की तरफ। आपको यहाँ पर शेयरिंग टैक्सी वगैरह मिल जाएगा यहाँ पर जाने के लिए, शेयरिंग टैक्सी लगा हुआ है इस साइड में। ऐसे शेयरिंग टैक्सी इधर देखिए, शेयरिंग टैक्सी लगा हुआ है। तो आपको यहाँ शेयरिंग टैक्सी लेना है फिर ऐसा आपको जाना है आगे मंदिर के तक 3 किलोमीटर। तो भाई हमने यहाँ पर ले लिया है टैक्सी, ये भैया हमें छोड़ देंगे मंदिर तक। यहाँ से 3.5 किलोमीटर है ना भैया? 4 किलोमीटर है। और क्या भाड़ा लगता है एक आदमी का टैक्सी लेंगे तो? यहाँ से 30 रुपए करके। अच्छा 30 रुपए करके, ठीक है। आपको लगेगा 30 रुपए पर पर्सन, यहाँ से टैक्सी मिल जाएगा आपको बहुत ही आराम से, आप यहाँ से जाके दर्शन करेंगे। दोस्तों हम आ चुके हैं कामाख्या मंदिर जहाँ पर हमें टैक्सी उतारा हमको। तो यहाँ पर जैसे मैं पीछे बहुत सारा दुकान वगैरह है, आप पूजा का सामान सब खरीद सकते हैं। ये देखिए यहाँ दुकान वगैरह सब लगा हुआ है, आप यहाँ से पूजा सामग्री ले सकते हैं सब कुछ यहाँ से। और यहाँ पर भी दुकान सब है, आप यहाँ से पूजा के लिए जो सामग्री लेना है आप यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ बहुत सारा दुकान है। तो भाई लोग यहाँ पर दर्शन के लिए 2 तरह की एंट्री अवेलेबल है, एक जनरल एंट्री एक VIP एंट्री। जनरल एंट्री करने के लिए आपको यहाँ पर इस गेट पे आना पड़ेगा, यहाँ से टोकन लेना पड़ेगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और VIP एंट्री का जो टोकन है उसका कॉस्ट है 501 रुपया। तो ये है जनरल एंट्री का गेट, यहाँ से उसका कूपन ले सकते हैं। ऊपर देखिए लिखा हुआ साधारण दर्शन दर्शनार्थी का प्रवेश कूपन संग्रह केंद्र, तो यहाँ से आप अपना कूपन ले सकते हैं। चलिए अपना कूपन ले लेते हैं यहाँ से। तो दोस्तों देखिए ये जो है जनरल कूपन जो है उसका एंट्री गेट है, लेकिन ये बंद हो चुका है, यहाँ देख सकते हैं ताला लगा हुआ है। यहाँ पर एंट्री का है क्या, पर डे 2000-2100 लोग एंट्री करते हैं, कूपन डिस्ट्रीब्यूट होता है जो कि क्रॉस हो चुका है, तब हमको जनरल कूपन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि आप घर से सीधे जाइए मंदिर, वहां से बाहर दर्शन कर लीजिए, वहां पर है आपको VIP कूपन काउंटर। तो चलते हैं देखते हैं अगर VIP कूपन मिल जाता है तो वो लेकर दर्शन करेंगे। चलते हैं अब मंदिर की तरफ। तो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये अन्न सेवा केंद्र है, यहाँ पर आप फ्री अन्न सेवा का कूपन कलेक्ट कर सकते हैं, जिसका लाइन यहाँ लगा हुआ है। आपको भी अगर लेना है तो आपको लाइन लगना होगा और यहाँ से कूपन कलेक्ट कर सकते हैं, फिर फ्री अन्न का आनंद ले सकते हैं। तो यहाँ सामने है मंदिर जाने का एंट्री गेट है, और यहाँ सामने में ही बहुत सारे दुकान है जहाँ से आप पूजा के लिए प्रसाद वगैरह सब कुछ खरीद सकते हैं, और अपना जूता चप्पल भी आप यहीं पे इनके पास रख सकते हैं, रख के आप आराम से मंदिर के अंदर जाके दर्शन कर सकते हैं। ये है एंट्री गेट, इसलिए चलते हैं अंदर।
ऊपर आप देख रहे हैं ना केज जैसा ग्रिल लगा हुआ, उसके अंदर लोग खड़े हैं, वो जनरल क्यू का लाइन लगा हुआ है, वहाँ लोग लाइन लगे हुए हैं जो जनरल कूपन लेके आए हैं। दोस्तों माता रानी का जो मंदिर है ये 51 शक्तिपीठों में से सबसे शक्तिशाली मंदिर माना जाता है, और माता सती की योनि यहाँ गिरी थी जिसकी वजह से माता की योनि की यहाँ पूजा होती है, और ये योग साधना और तंत्र मंत्र का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थान माना जाता है। और साथ साथ दोस्तों बता देता हूँ, यहाँ पर मंदिर के अंदर फोटो वीडियो करना स्ट्रिक्टली मना है, अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपका फोन भी रख लिया जाएगा, प्लस 5000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है आपको। तो दोस्तों आप यहां देख रहे हैं कि कबूतरों को पेड़ में रखा गया है, ये इसलिए रखा है कि आप इन कबूतरों को यहां से खरीद सकते हैं और इनको खरीद के आप आजाद कर सकते हैं और पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। आपको यहाँ बहुत सारे बकरे देखेंगे बंधे हुए, लोग अपनी मन्नत पूरी करने के लिए इनकी बलि भी चढ़ाते हैं। और दोस्तों ये यहाँ का बलि घर है, इसके अंदर बकरों की बलि चढ़ती है। तो आप जब भी यहाँ पर आते हैं ना, आप पहले इस कुंड पे आए, यहाँ पर आके अपने हाथ पैर धोए, खुद को शुद्ध करें, और सामने वहाँ गणेश जी हैं उनकी पूजा अर्चना करें, इसके बाद ही आप ऊपर जाकर माँ का माथे भी पूजा कर सकते हैं। दोस्तों मंदिर जाने के रास्ते में ही आपको बहुत सारा दुकान मिल जाएगा जहाँ पूजा पाठ करने का सामान खरीद सकते हैं, और पूजा करने के बाद आपको अगर भूख लगती हो तो यहाँ पर खाने का भी जगह है, कामाख्या स्वीट्स, यहाँ पर आप ब्रेकफास्ट वगैरह नाश्ता वगैरह कुछ कर सकते हैं आराम से।
और दोस्तों मंदिर के बाहर आप आ जाएंगे तो आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स दिखेंगे सामने ऐसे, जहाँ पर आप आके कुछ खा पी सकते हैं। दोस्तों मंदिर परिसर में ही आपको मिल जाएंगे यहाँ पर बस जो आपको छोड़ेंगे गुवाहाटी स्टेशन और पल्टन बाजार, तो आपको अप डाउन का बस मिल जाएगा मंदिर के लिए स्टेशन से ही। तो दोस्तों ये थी माँ कामाख्या मंदिर के बारे में कुछ जानकारियाँ हमारे चैनल पे। आपको ऐसे वीडियो देखने हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो कैसा लगा जरूर से बताइएगा और कमेंट में जय माता दी जरूर से लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। मिलता है आपसे फिर अगले वीडियो में।